अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपको जो ड्रेस दिखा रही हूँ वो बहुत ट्रेंड में आया था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत जगह पर ये फ्रॉक्स सेल हो रही थी। लिलन से ये स्टफ़ शुरू हुआ था, लिलन में आई, फिर लॉन में आई, फिर रेशमी स्टफ़ में आई। तो ये फ्रॉक बनाना बहुत आसान है, लॉन्ग फ्रॉक है और ये मैंने खुद घर पर फिर तैयार की। बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई। आप इनका इसका डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैंने सिर्फ इसके गले पे चेंजेस की है, बाकी सारी ये वैसी ही है जैसी मिल रही है ऑनलाइन। गला मैंने इसका हाफ नेक हाफ कॉलर वाला बनाया हुआ है, बैन इसका हाफ है और बाकी हाफ आपका नेक के ऊपर आता है। ये साथ अटैच नहीं है, आगे फ्रंट से नहीं अटैच, बैक से ये अटैच है और ये आगे ऐसे वी बन के आपके गले में ये आता है। और बहुत खूबसूरत पहना हुआ, बहुत ही प्यारा और डिसेंट लगता है। आपने इधर टिच बटन लगा लेने हैं और सेंटर में इसके एक बटन लगा लेना है फैंसी। बाकी इसके शर्ट नीचे तक इसके बटन है, सॉरी शर्ट नहीं फ्रॉक है ये, और नीचे तक इसके बटन है। बाजू का डिज़ाइन आप देख लें। रेड कलर का मैंने इसके साथ कंट्रास्ट किया था इसलिए कि लाइट कलर है इसके ऊपर, डार्क कलर उठना था और वो खूबसूरत लगना था। इसलिए इसके अंदर जो रेड डॉट्स आ रहे हैं, फ्लावर्स छोटे से बने हुए हैं, उसके साथ मैंने इसका मैच कर दिया रेड बटन और रेड पाइपिंग को। और बाजुओं पे मैंने समोसा लेस लगा दी थी, दो दो स्ट्रिप्स बना के, और साथ लूप्स के साथ बटन लगा लिए बंद करने के लिए। और ये आप इसका कट देख लें, इतना सा कट इसका ओपन है। दूसरे बाजू का भी सेम डिज़ाइन है। और ये इसके इसकी इसका पेटी का डिज़ाइन है। यहाँ पर चुनट्स डाले हुए, मैंने प्लेट्स नहीं डाले थे, चुनट्स डाले थे। और ये इसका कट जो है ना सेंटर से, आपने इसको काट के फिर इसके अंदर पाइपिंग लगा के लूप्स लगा के फिर इसको बंद कर देना है सारे कट को। नीचे तक ये कट बंद होगा, नीचे इसके रेड पाइपिंग मैंने लगा दी थी कट के अंदर। और साथ ना बटन आपने ले लेने, फैब्रिक वाले बटन ले लें या खुद बनवा लें तो वो बहुत अच्छे लगते हैं इसके अंदर। नीचे से आपको कट मैं दिखा देती हूँ उसका कहाँ तक, ये देखिए नीचे इसके सारी पाइपिंग है, घेरे पे भी और कट के अंदर तक भी सारी पाइपिंग मैंने दी हुई है। इतना सा बस इसका कट ओपन रखा हुआ है और नीचे इसके रेड कलर की पाइपिंग है। और स्लिप मैंने इसकी लगाई हुई है हाफ हाफ से नीचे, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा थी फ्रॉक की इसलिए बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं लगाई। कट से ऊपर ऊपर आपने बस स्लिप लगानी है कि वो नज़र ना आए, फिर बुरी लगती है, नज़र आती है। बटन आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी फासले से आप लगा लें। और ये इसकी बनाना, इसको बनाना बहुत आसान है और पहने में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। आज मेरा थोड़ा गला भी डिस्टर्ब है इसलिए ज़रा आराम आराम से बोल रही हूँ। बैक साइड आप इसकी देख लें, बैक साइड पे भी चुनट्स डाली हुई हैं और सिंपल है बैक साइड। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, इंस्टाग्राम आईडी को भी। लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इसको लाइक कर लें। और इसकी ओवरऑल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको हैंग कर लिया फ्रॉक को, ये देख लें अब आप इसको कि ये कैसी लग रही है। इसकी फॉल बहुत प्यारी बनती है, इसका घेरा नीचे बहुत खुला है और बहुत खूबसूरत और एलिगेंट लुक आती है। आप लोग बनवाएं, अपने टेलर को देके इस तरह का डिज़ाइन बनवा सकते हैं। खुद बनाना चाहते हैं तो खुद भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिंपल सी फ्रॉक है ये। चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी मेरी ये वीडियो। अल्लाह हाफिज़।